नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। दोस्तों काफी लोग कमेंट कर रहे थे, सर आपका ट्रेडिंग सेटअप बताओ, आपने ट्रेडिंग सेटअप में आप क्या क्या यूज करते हो, आप कितनी स्क्रीन यूज करते हो। तो गाइस वो आज का दिन आ चुका है, आज मैं आपको इस कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में आपको मैं 2017-18 में जो मैंने स्टार्टिंग करी थी उस टाइम मेरे पास क्या था ट्रेडिंग करने के लिए, मैं किस चीज से ट्रेडिंग सीख रहा था आपको बताने वाला हूं। देखो दोस्तों क्या होता है, जब आप बिगिनर होते हो ना वहां पर बहुत प्रॉब्लम आती है, आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। गाइस मेरे साथ में हुआ था, मेरी फैमिली कोई सपोर्ट नहीं किया था ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, कोई सपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने बोला था कि आप जाओ प्रॉपर इसे जॉब करो, प्रॉपर आप गवर्नमेंट की तैयारी करो। एंड गाइस आपको पता, अगर आप एमपी से हो तो आपको पता है कि एमपी में किसका क्रेज है, इंदौर में फेमस है भंवर बुआ, ठीक है आप सभी को पता है, वहां पर मैंने कोचिंग करी। बट गाइस जब मुझे यहां पर स्टॉक मार्केट बारे में पता चला तो दिमाग में मेरा फिट हो चुका था कि मुझे कहीं ना कहीं ट्रेडिंग ही करना है। मैंने 17-18 में जॉब करी थी, आपको पता है इंदौर में एक टेली परफॉर्मेंस, जहां पर फ्लिपकार्ट मैंने प्रॉपर जॉब करी थी। गाइस वहां से मैंने जॉब छोड़कर एज ए ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, पहले इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी। पर आपको पता है जो बंदा स्टार्टिंग में इन्वेस्टिंग की सोचता है ना वो ट्रेडिंग पर ही आ जाता है। तो गाइस ट्रेडिंग स्टार्ट करी। अब गाइस यहां पर मैंने जो स्टार्टिंग करी थी 17-18 से वो सेटअप आपको बताऊंगा। बट गाइस यहां पर देखते हैं, ये मैंने यहां पर लगाया हुआ है, अगर आप मेरे पुराने यूजर हो गाइस आपको पता है कि यहां पर ऐसे दरवाजा था इस तरीके से। यहां पर मैंने क्या करा, इसे एक्यूस्टिक फॉर्म जो होती है यहां पर मैंने लगाई हुई है। अगर आप भी चाहते हो कि मैं भी लगाऊं अपने यहां पर, तो इसका जो लिंक है मैं प्रॉपर है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। साथ में गाइस ये जो था चेक कर सकते हो, जो डिजिटेक यहां पर मैंने लिया था वीडियो स्टैंड के लिए एज ए शॉर्ट बनाने के लिए। बट मेरे गाइस अभी तक कोई काम नहीं आया, आपको पता है कि जो अपन यहां पर लाइव स्ट्रीम में जो ट्रेड देते हैं उसी का शॉर्ट बनता है। एंड गाइस आपको पता है ये जो मैंने यहां पर ऑर्डर किए थे, पहले यहां पर ये था, इसको प्रॉपर पैक किया बाकी आवाज अंदर ना आ सके, ठीक है। तो गाइस ये सेटअप था, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 17-18 मैंने क्या यूज किया है। गाइस ऐसे ही आपको दिखाने के लिए मैंने यहां पर रखा है 2017-18 में। गाइस ये जो सिस्टम छोटा सा था गाइस, ऐसे 12-13 इंच का अगर देखोगे तो ये जे एलईडी था मॉनिटर जो आपको पता है, ये मैंने यूज किया है और ये सीपी छोटा सा यूज किया। इसे गाइस मैंने इंदौर से लिया था, इसका प्राइस यहाँ पर ओनली था गाइस 8 से 9 हजार रुपए था। मैंने इसी पर गाइस बहुत ज्यादा चार्ट देखे हैं, मैंने 2017-18 में गाइस है ना सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग करी है वो इक्विटी में करी है। तो उसको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर हो ना तो आप स्टार्टिंग में क्या करो, इक्विटी में करो, जो स्टॉक्स होते हैं जैसे लाइक एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, वहां पर आप ट्रेडिंग करो। वहां पर मैंने इसमें काफी सीखा, मैंने चार्ट मैंने यहां पर बहुत ज्यादा देखा, इक्विटी मैंने यहां पर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करी है। ये 2017-18 का था, कैसे आपको दिखाने के लिए मैंने यहां पर रखा है। वैसे मैं इसको यहां पर एक जगह रख चुका हूं। अब यहां पर गाइस बात करते हैं कि मैंने यहां पर उसके बाद क्या लिया है। तो गाइस उस पीसी के बाद में गाइस मैंने लैपटॉप लिया था। गाइस लैपटॉप का जो प्राइस था ऐसे 35,000 था। गाइस मैंने इस लैपटॉप से प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडिंग में, आप समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग जो करी है ना गाइस ऐसे लैपटॉप से मैंने ज्यादा करी है, काफी ज्यादा करी गाइस। बट गाइस आपको पता है कि यूट्यूब पे जो नॉलेज होता है ना गाइस वो अधूरा नॉलेज है। वहां पर अगर आपको नॉलेज को पूरा करना है गाइस तो मैंने क्या करा था कि प्रॉपर इन बुक्स को रीड किया था, ठीक है। गाइस देखो अगर आप यहाँ पर ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको बुक्स को रीड करना चाहिए फ्री टाइम में, इससे आपको गाइस बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गाइस यहाँ पर पहला जो बुक था मेरी लाइफ में एज ए द डिसिप्लिन ट्रेडर था, आप चेक कर सकते हो, ये बुक आपको इस प्रॉपर पढ़ना चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाना है गाइस, तो ये बुक काफी अच्छा होता है। मैं बोलता हूँ गाइस इस बुक को जरूर रीड कीजिएगा। उसके बाद में गाइस मैंने एक और बुक रीड किया था प्रॉपर, जस्ट वेट आपको दिखाता हूं मैं, एक और बुक था गाइस ट्रेडिंग इन द जोन, आपको ये बुक भी प्रॉपर रीड करना चाहिए। प्रॉपर गाइस इस बुक को मैंने रीड किया हुआ है। उसके बाद में गाइस एक और बुक आता है, आप लोग बोलते हो सर प्राइस एक्शन क्या होता है हमको समझ में नहीं आता। अगर आप बिगिनर हो ना गाइस, अगर आप बिगिनर हो आपको मार्केट के बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं है तो आप इस बुक को प्रेफर करूंगा मैं। ये बुक गाइस द गेटिंग स्टार्टेड टेक्निकल एनालिसिस, जेक डी की बुक है गाइस, ठीक है, विले की ये बुक। इस बुक को आपको प्रॉपर रीड करना चाहिए। अगर आपका प्राइस एक्शन प्रॉपर कंप्लीट नहीं है, अगर आपको आरएसआई के बारे में इनडेप्थ पता नहीं है, अगर आपको एमएसडी के बारे में इनडेप्थ पता नहीं है, आप इस बुक से गाइस प्रॉपर नॉलेज ले सकते हैं। ट्रेन लाइन सपोर्ट डिमांड सप्लाई जोन जो होती है वो आपको इससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद में गाइस मैंने एक और बुक रीड करी थी, आपको पता है अगर आप फिबोनाची के बारे में सर्च करना चाहोगे यूट्यूब पे तो आपको 1 घंटे की वीडियो मिलेगी। बट गाइस मुझे पूरा इनडेप्थ जानना था फिबोनाची के बारे में कि फिबोनाची टूल किस तरीके से काम करता है, उसको बारीकी से मुझे प्रॉपर देखना था। तो गाइस मैंने यहां पर एक और बुक जो था मैंने प्रॉपर इसको ऑर्डर किया था, सीक्रेट्स ऑन फिबोनाची ट्रेडिंग। इस बुक को आप प्रॉपर रीड कीजिएगा। अगर आप स्टॉप लॉस सेटिंग पर काम करें ना तो ये बुक आपके लिए काम आ सकता है। काफी अच्छा बुक है गाइस, प्रॉपर अच्छा बुक है। तो गाइस मैंने यहां पर एक इंडिकेटर सीपीआर पाई केजीएस आता है, गोमती शंकर का इंडिकेटर है,
ये वाला इंडिकेटर है वो। इस बुक को गाइस, इस इंडिकेटर को प्रॉपर जानने के लिए मैंने बुक रीड किया था, सीक्रेट्स ओन ऑफ ए प्राइवेट बॉस, ठीक है, फ्रैंकलिन ओचा, ओचा क्या नाम इनका, इनका मैंने प्रॉपर बुक रीड किया, प्रॉपर मुझे सीपीआर के बारे में नॉलेज पता हुआ। बट गाइस सबको पता है सीपीआर इंडिकेटर आप कब तक यूज करोगे, तो मैंने गाइस वही देखा कि मैं प्रॉपर नोट कर रहा था, मेरे पास एक डायरी आपको कभी दिखाऊंगा मैं, जहां पर प्रॉपर नोट करता हूं कि मैंने किस तरीके से किन किन सेटअप पर ट्रेड बनाया है। मैंने सारी बुक इस एक साइड में रखा, ये कोई बुक है अगर आप चाहते हो तो इलेट वेव फिबोनाची, इसको आप वापस रीड कर सकते हो। इन बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके परचेज कर सकते हो, काफी अच्छी बुक्स है। गाइस जो लैपटॉप है ना, ये लैपटॉप काम आता है टीम के लिए, जब मैं लाइव रहता हूँ, जब लाइव स्ट्रीम में कुछ कमेंट गलत आते हैं उनको रिमूव करने के लिए, और टेलीग्राम पर अपडेट डालने के लिए, जब मैं लाइव रहता हूँ कुछ अपडेट मुझे वहां पर डलवाना है तो मैं वहां पर इसमें प्रॉपर डलवाता हूँ। यहाँ पर एक पर्सन बैठता है जो भी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई, आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर गाइस मुद्दे की बात करते हैं, जो मेरा मेन ट्रेडिंग सेट है वो किस काम में आता है, उसको मैं किस किस यूज के लिए यूज करता हूँ, आ जाइए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए गाइस देखो, ये जो इस मेन स्क्रीन है यहीं पर क्या होता है, इसी से लाइव होता है, आप जो चार्ट देखते हो लाइव में, मैं इसी में आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, इसे फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई का मैंने लिया था, ठीक है। एंड गाइस ये आप स्क्रीन देखो गाइस, इस स्क्रीन का काफी अच्छा फायदा है, अगर आप चाहते हो इसमें बोलता हूँ कि स्क्रीन आप ऑर्डर कर सकते हो, काफी अच्छा है, प्राइस काफी कम है, शायद ऐसे 12,000 रुपए के समथिंग है। यहाँ पर क्या होता है गाइस, ऐसे आप ऊपर देखो तो यहाँ पर HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, अगर मैं यहाँ पर इसको यहीं पर आप बोल आता हूँ, देखो देखो रिलायंस यहाँ पर मैं लगा के रखता हूँ, साथ में यहाँ पर अपना फिन निफ्टी मेरा यहाँ पर रहता ही रहता है। देखो यहाँ पर इसलिए हेल्पफुल है गाइस, मान के चलो मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, मुझे क्लियर पता रहता है कि भैया HDFC क्या कर रहा है और ICICI बैंक क्या कर रहा है, एक्सिस बैंक क्या कर रहा है, तो यहाँ से मुझे गाइस काफी सपोर्ट मिलता है, तो इसको प्रॉपर यहाँ पे लगा के रखता हूँ, तीनों चार्ट यहीं पर रहते ही रहते हैं। साथ में अगर लाइव स्ट्रीम में करता हूँ तो प्रॉपर एज ए आपके जो कमेंट आते हैं उनको रीड करने के लिए यहीं पर थोड़ा सा साइड में उसको लगा देता हूँ, यहाँ पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लगा रहता है। साथ में गाइस देखो, आपको दिख रहा होगा काफी प्यारा साउंड बार है, इसका जो कॉस्ट हुआ था शायद 2000 के समथिंग है, काफी अच्छा है, विंग्स कंपनी का है, ठीक है। एंड गाइस इसमें जो सुनता हूँ मैं, जैसे BGM आपको पता है साउथ की BGM काफी अच्छी होती है, पूरी एनर्जेटिक होती है, काफी अच्छा है, यहीं पर आ जाते हैं गाइस। और यहाँ पर आपको पता है गाइस, यहीं पर थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आपने रीड नहीं किया तो रीड कीजिएगा, एज ए श्रीमद भागवत गीता आपको प्रॉपर रीड करना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो गाइस। जो बुक है ना, जो आपके मन का जो डर होता है, जो आप डरते हो, शायद ये डर आपको खत्म कर सकता है, आप जो इमोशन हो जाते हो ये खत्म कर सकता है, आप लंबे टाइम तक कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को होल्ड कर पाओगे। मैं तो बोलता हूँ अगर साइकोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करना है तो पहले भगवत गीता को पढ़िए, फिर बाद में ट्रेडिंग जोन एंड साथ में द डिसिप्लिन ट्रेडर, इनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड गाइस एक और बुक है, ऐसे आपको पता है मैं देखो सभी धर्म का सम्मान करता हूँ, बट मेरे लिए मेरा धर्म सबसे सर्वोपरि है, तो यहाँ पर गाइस एक और बुक है श्रीमद भागवत महापुराण, ऐसे श्री कृष्ण जी की है, जो मैं इनको अपना भाई और अपना दोस्त मानता हूँ, काफी अच्छे बुक है गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि इसको जरूर पढ़िएगा, पर पहले गाइस श्रीमद भागवत गीता जरूर पढ़िए। चलिए इसको थोड़ा साइड में करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये किस काम आता है गाइस, ये जान है, ये पूरे सिस्टम की जान आप समझ सकते हो। यहीं से क्या होता है, इससे लाइव स्ट्रीम चलता है, यहाँ पर जो दो स्क्रीन अटैच है वो भी इससे चलता है। ये जो मेरा पूरा पोस्ट पड़ा था गाइस, वो 1,00,000 रुपए के समथिंग पड़ा था, ठीक है, शायद 90,000 से 1,00,000 के बीच में पड़ा था। इसे मैंने गाइस प्रॉपर लगाया हुआ है 16 GB का रैम में, काफी कुछ चीजें गाइस इसे मैं यहाँ पर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, GigaByte का मदरबोर्ड है यहाँ पर, काफी अच्छा है। ये कीबोर्ड तो गाइस आपको पता है विंग्स कंपनी कीबोर्ड है, माइक मैंने मियानो का माइक लिया था, काफी सस्ता आता है, शायद 3,000 के समथिंग था, काफी अच्छा है, ये लाइट आप चेक कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर मैंने प्रॉपर ये जो लगा के रखा है एक्यूस्टिक फॉर्म, आपको पता है जो इको होता है, जो साउंड जो एकदम से घेराता है वो यहाँ पर कम हो जाता है, इसकी वजह से लाइव स्ट्रीम में दिक्कत नहीं आती, तो ये मैंने यहाँ पर प्रॉपर लगा के रखा है। एंड आप नीचे का सेटअप देख सकते हो, यहाँ पर प्रॉपर लाइट वगैरह इस तरीके से अपने लगाई हुई है, ये छोटा ट्रेडिंग सेटअप है गाइस, आप इसको मान सकते हो ये मेरा पहला ट्रेडिंग सेटअप है, बट गाइस मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ पर बहुत जल्दी और अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बनाने वाला हूँ, मतलब इसको मैं बड़ा करने वाला हूँ। यहाँ पर जो दो स्क्रीन आप देख रहे हो, यहाँ पर एक और स्क्रीन आने वाला है, वो स्क्रीन होगा गाइस 38 इंच से लेके 42 इंच का, जो मैंने प्रॉपर सेलेक्ट किया हुआ है, काफी अच्छा स्क्रीन है, जब भी उसको ऑर्डर करूंगा आपको बताऊंगा, मैं उसको प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, काफी अच्छा स्क्रीन है। बट अभी गाइस मेरे पास छोटा सा ट्रेडिंग सेटअप है जहां पर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। एंड रही बात गाइस PNL की, तो PNL बहुत जल्दी आ जाएगा, आप लोगों ने बोला
ट्रेडिंग सेटअप दिखाऊं, तो मैंने यहां पर आपके लिए प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप का वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो यहां पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कुछ अगर आप गलती मेरी दिखी तो वहां पर आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा एंड बोलूंगा देखो अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो मेहनत तो लगेगी, मेरे साथ मेहनत हुई है, मैंने मेहनत करी है, तब जाके मैं यहां तक आया हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बहुत आगे तक जाऊंगा। एंड गाइस मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो हमारा सब्सक्राइबर यहां पर हुआ है 30,000 यहां पर जो हुआ है, इसको आप 1,00,000 तक बहुत जल्दी लेके जाओगे। तो गाइस बोलना चाहूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, लाइव स्ट्रीम करता हूं यहां पर डेली, आपके लिए काम आ सकता हूं, तो फटाफट से लाइक कर सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेटअप दूसरे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेटअप वन मान सकते हो आप, सेटअप का पार्ट वन मान सकते हो, अगला सेटअप होगा काफी अच्छा सेटअप होगा और इससे बड़ा सेटअप होगा, ठीक है, बहुत जल्दी वीडियो आएगा। तो गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, लाइक करके जरूर जाइएगा, कमेंट भी कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।